हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विजय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल इको स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ओके, वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि वायुमंडल का दाब या एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर पाए जाते हैं, या वायुमंडल में वायु पाया जाता है जिसमें गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो इन गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर का किसी यूनिट एरिया पे, मान लीजिए ये यूनिट एरिया कोई इकाई क्षेत्रफल ये है, ओके, इस यूनिट एरिया पे इन गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर का जो वेट होता है, जो भार होता है, उसी भार को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। ओके, इस इकाई क्षेत्रफल के ऊपर कितना एयर है या कितने गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर प्रेजेंट है, इनके वेट को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, किसी भी ऊंचाई पे, किसी इकाई क्षेत्रफल के ऊपर जो भी एयर प्रेजेंट है उसका जितना वेट पड़ रहा है, जितना भार है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर का जो भार है हमारे सर के ऊपर, जितने भी एयर कॉलम में जो गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर है उनका जितना वेट पड़ रहा है उतना मेरे बॉडी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ओके, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी हाइट पे हो सकता है। मान लीजिए ये सी लेवल है, ओके, ये एल्टीट्यूड, मान लीजिए ये हिमालय का पीक है, ओके, इस एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, जितना इस ऊंचाई पे किसी यूनिट एरिया पे इसके ऊपर जितना वाटर वेपर गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स होंगे और उनका जितना वेट होगा वो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। अगर इस ऊंचाई पे बात करें तो इस ऊंचाई पे, इस यूनिट एरिया पे इसके ऊपर जो गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर रहेंगे उनका जितना वेट होगा वो यहाँ पे इस ऊंचाई पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सिमिलरली यहाँ पे, तो किसी भी ऊंचाई पे, किसी यूनिट एरिया पे या किसी इकाई क्षेत्रफल के ऊपर जितना एयर है उस एयर का कुल भार क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। इट इज द टोटल वेट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये वेट है। इट इज द वेट ऑफ गैसेस, इट इज द वेट ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। किसी भी ऊंचाई पे, किसी यूनिट एरिया पे जो भी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर है उनका जो वेट है, उनके वेट को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वेट है, न कि इनका, इनके द्वारा लगाया गया फोर्स। ओके, ये गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर के द्वारा लगाया गया फोर्स नहीं है। दिस इज नॉट फोर्स अप्लाइड बाई और एग्जर्टेड बाई द गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर। ये गैसेस, डस्ट पार्टिकल या वाटर वेपर के द्वारा लगाया गया फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं लगा रहा, ये क्या है, इनका वेट है। इनके वेट को बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे बनते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये वेट है या फोर्स है। ओके, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं। इसको जब मेजर करते हैं तो कई सारे यूनिट को यूज करते हैं, जैसे इंच, मिलीमीटर, पाउंड और मिलीबार। एक और यूनिट होती है जिसे हम पास्कल कहते हैं। तो अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, समुद्र की सतह पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 29.92 इंच के बराबर होता है। ओके, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना इंच होगा, 29.92 इंच। ओके, इसी तरह एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 मिलीमीटर होता है, 14.7 पाउंड के बराबर होता है और 1013.25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर
मिली बार के बराबर होता है। ओके अगर मिली बार की बात करें तो एक मिली बार जो होता है वो एक ग्राम के बराबर होता है। इस तरह लगभग 1000 जो ग्राम होगा वो कितने के बराबर होगा, लगभग 1 kg के बराबर होगा। कितने के बराबर? 1 kg। तो अगर हमें ये पता हो कि 1 cm² पे अगर 1 kg का वायुमंडलीय दाब लग रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा है तो उसके सर पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब लगेगा। अगर आपको ये पता है कि 1 cm² के एरिया पे लगभग 1 kg या इतना मिलीबार का प्रेशर पड़ता है, तो जो व्यक्ति समुद्र के किनारे बीच पे खड़ा है उसके सर पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। ओके आई वॉन्ट आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आइए, डिस्कस करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ओके तो ये जो प्रेशर वो कहाँ है, समुद्र के सतह पे है। ओके ये प्रेशर कहाँ है, समुद्र के सतह पे, ये है ओशन। मान लीजिए कोई सी है, ओके ये सी लेवल है, दिस इज सी लेवल। यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, 1030.25 मिली बार, 1013.25 मिली बार का प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। ओके जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है या जैसे जैसे आप पहाड़ों पे चढ़ते जाते हैं, ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है समुद्र की सतह से, वैसे वैसे जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता जाता है, घटता जाता है। ओके जैसे जैसे समुद्र की सतह से ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो प्रेशर होता है वो घटता जाता है। ओके नाउ द क्वेश्चन इज किस रेट से घटता है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था, एटमॉस्फेयर में लैप्स रेट में देखा था कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये एक फिक्स रेट से घटता जा रहा था। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा था टेम्परेचर एक फिक्स रेट से घटता जा रहा था। ओके एनवायरमेंटल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से, और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट 5 to 9, ये वेरी कर रहा था डिपेंडिंग ऑन मॉइस्चर कंटेंट। जिन लोगों ने मेरा लास्ट प्रीवियस वीडियोज या लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज उन्हें फॉलो करें। अगर आप उन्हें देखे होंगे तो ये सभी कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी उनसे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे आगे के लेक्चर्स को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ओके तो क्वेश्चन इज ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस रेट से टेम्परेचर जैसे घटता जा रहा था, क्या यहाँ भी ऐसा कोई रेट है, ये भी कोई फिक्स रेट से घटता जाता है। तो फर्स्ट 1000 मीटर तक, ओके 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही, केवल 1 किलोमीटर ऊंचाई तक ही जो प्रेशर होता है वो फिक्स रेट से घटता जाता है, वो फिक्स रेट से घटता जाता है। ध्यान से सुनिए, प्लीज बी अटेंटिव। केवल 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जो प्रेशर होता है वो फिक्स्ड रेट से घटता जाता है, उसके बाद प्रेशर के डिक्रीज होने का कोई रेट नहीं होता है, कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता है। ओके केवल 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की ऊंचाई तक ही जो प्रेशर होता है वो फिक्स्ड रेट से घटता जाता है, और वो फिक्स्ड रेट क्या है, 10 मिलीबार पर 100 मीटर। 1 मीटर 100 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो जो प्रेशर में डिक्रीज होगा वो 10 मिलीबार का होगा, और ये पैटर्न कब तक फॉलो होगा, केवल 1000 मीटर तक, केवल 1000 मीटर। मान लीजिए 1000 मीटर आप इस ऊंचाई पे आ गए तो केवल इस एल्टीट्यूड पे जो प्रेशर होगा वो 10 मिलीबार पर 100 मीटर के रेट से घटता जाएगा, उसके बाद से ये रेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके उसके बाद बहुत ही अब्रप्टली प्रेशर चेंज होता है, बहुत ही तेजी से चेंज होता है, बहुत ही तेजी से घटता है। ओके जैसे 5.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर आने के बाद जो प्रेशर होता है वो 50% कम हो जाता है। ओके 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे आने पे जो वायुमंडलीय दाब होता है वो लगभग 50% कम हो जाता है, आधा हो जाता है। किसका आधा, जो प्रेशर समुद्र की सतह पे लग रहा था, जो प्रेशर सी लेवल पे यहाँ पे लग रहा था। ओके
इस 1013 1013.25/cm², ये जो मिलीबार प्रेशर के बराबर है, यहाँ पे 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे आते आते ये प्रेशर कितना हो जा रहा है, इसका जस्ट आधा, ओके 50% प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। अगर हम 12 किलोमीटर की एल्टीट्यूड की बात करें तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते जाते जो प्रेशर होता है वो 90% कम हो जाता है। कितना? 90%। अगर ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई की बात करें तो प्रेशर जो होता है ऑलमोस्ट 99.9% पूरा प्रेशर, ऑलमोस्ट प्रेशर 30 किलोमीटर आते आते डिक्रीज हो जाता है। और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आते आते जो प्रेशर होता है वो नेग्लिजिबल होता है, वो 1 मिलीबार के बराबर होता है। तो अगेन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जो प्रेशर है 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद इतना एब्रप्टली, इतनी तेजी से क्यों घटता है, क्यों घट रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इतने एब्रप्टली, इतने तेजी से एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ घटने के पीछे क्या रीजन है, इसको समझने के लिए इस एयर कॉलम पे फोकस करिए। ये सी लेवल पे हम एयर कॉलम, इमेजिनरी एयर कॉलम बनाया है, जिसमें दिखाने की कोशिश किए हैं कि समुद्र की सतह से जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल, ये वाटर मॉलिक्यूल, इनका नंबर कैसे कैसे कम होता जाता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो समुद्र की सतह पे जो नंबर ऑफ गैसेस या डस्ट पार्टिकल या वाटर वेपर के मॉलिक्यूल, इनका नंबर बहुत ही अधिक है, ओके। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ऊंचाई ये बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है वो कम होता जा रहा है। पृथ्वी की सतह पे या ओसी लेवल पे जो गैसेस हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है इनका नंबर कम होता जा रहा है। अब आपके माइंड में फिर से ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो गैसेस का नंबर है ये ऊंचाई या अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ कम क्यों होता जा रहा है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल का मान वो कम होता जाता है। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, तो इस अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जी का मान कम होता जाता है, या जैसे जैसे गहराई आप कोर की तरफ बढ़ते जाते हैं, पृथ्वी के सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जी का मान कम होता जाएगा। क्योंकि आपने स्कूल डेज में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा g = gme/re², जहाँ जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, me मास ऑफ अर्थ और re रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगी, ओके, अर्थ का रेडियस अगर बढ़ेगा तो जी का मान, जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, ओके। तो इस तरह अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, ओके, ये पृथ्वी का रेडियस यहाँ से यहाँ तक, अगर आप और ऊपर गए तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये जो रेडियस है आर, मान लीजिए आप एच ऊंचाई पे आ गए, ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आर प्लस एच, मतलब ये पूरा ऐड हो जाएगा, आप पृथ्वी का जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा, ओके। तो पृथ्वी का रेडियस बढ़ने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं जो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है वो कम होता जाता है, क्योंकि जी का मान, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता जाता है, आकर्षण बल नहीं रह पाता है, इसीलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल कम होते जाते हैं। और चूंकि आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स का की वैल्यू पृथ्वी के सतह पे या सी लेवल पे मैक्सिमम होती है, सबसे अधिक होती है, इसलिए नंबर ऑफ गैसेस यहीं पे कंसंट्रेटेड रहते हैं, ओके। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बहुत ही तेजी के साथ
घटने लगता है, क्योंकि उतनी ही तेजी के साथ हमारे इस एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ जो गैसेस मॉलिक्यूल वो कम होते जाते हैं। ओके, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल पुल। जहां पे ग्रेविटेशनल पुल सबसे मैक्सिमम होगा वहां पे वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होगा। ओके, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल पुल। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो वेट ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल की वजह से होता है। ओके, किसकी वजह से होता है? जो गैसेस वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स हैं इनके वेट की वजह से होता है। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से नहीं होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कंसेप्चुअल पॉइंट है वो क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स सॉरी वायुमंडलीय जो दाब होता है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। ओके, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है वहाँ पे उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल सबसे मैक्सिमम है, लेकिन इस एल्टीट्यूड पे अगर हम इस एल्टीट्यूड पे बात करें तो यहाँ पे ग्रेविटी कम हो रही है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जी की वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है, तो कम बल होने की वजह से यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम लगेगा। अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो यहाँ कितना होगा? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा? इनके ऊपर जो एयर है इनका जितना वेट है इस पॉइंट पे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पे कितना होगा? इसके ऊपर जो पूरा एयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरे एयर का वेट है, ये पूरा वेट यहाँ पे जो पड़ रहा है इस पॉइंट पे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ तक आते एयर कॉलम की लंबाई बढ़ गई, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल बढ़ गए तो वेट भी बढ़ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ की बात करें तो पूरा का पूरा वेट यहाँ पड़ रहा है, तो इसलिए समुद्र की सतह पे या पृथ्वी की सतह पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी अधिक लगता है। ऊपर जाते हैं तब भी ग्रेविटी ग्रेविटी क्या होती है? ऊपर जाने पर घटती है, इसीलिए जो नंबर ऑफ गैसेस है ये भी कम होते जाते हैं। ओके, सो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वायुमंडलीय दाब होता है। जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा वहाँ पे वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होगा, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे वायुमंडलीय दाब नहीं होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं अपने पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, देखते हैं किसको कितना पता है। मून पे और मरकरी पे, मून एंड मरकरी, ग्रेविटी के बेसिस से ये कॉन्सेप्ट है, मून पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, मून पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, और उसी तरह मरकरी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है। क्यों? आई वॉन्ट टू नो द रीजन। इसका रीजन आप बताइए कि मून पे और मरकरी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है क्यों? बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल पुल की, ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी के बेसिस पर ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। मून पे आपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा कि मून पे जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 के बराबर होती है। ओके, चंद्रमा पे जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो पृथ्वी के गुना 6 गुना कम होता है, पृथ्वी पे लगने वाले ग्रेविटी के 6 गुना कम होता है, 1/6 ग्रेविटी यहाँ पे मून पे होती है। तो ड्यू टू द लो ग्रेविटी यहाँ पे जो गैसेस वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स जो भी हुए हैं वो इतनी लो ग्रेविटी होती है कि वे इसको होल्ड नहीं कर पाती है।
ये इसको लो ग्रेविटी गैसेस को होल्ड नहीं कर पाती है और जो गैसेस है वो एस्केप कर जाते हैं ओके स्पेस में, जो गैसेस हैं वो स्पेस में एस्केप कर जाते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है यहाँ पे। जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है तो एयर में गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर होंगे ही नहीं ओके एटमॉस्फेयर नहीं होगा। जब एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो इनका जो गैसेस डस्ट पार्टिकल्स का वेट है वो नहीं पड़ेगा, जब वेट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब भी नहीं होगा। यही रीजन है कि चंद्रमा पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है पृथ्वी पे लगने वाले ग्रेविटी के 1/6 के बराबर होती है, 6 गुना ग्रेविटी यहाँ पे कम होती है। लो ग्रेविटी होने की वजह से यहाँ पे जो गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, वो आउटर एटमॉस्फेयर में ओके स्पेस में चले जाते हैं। मर्करी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब क्यों नहीं होता है, इसको भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एटमॉस्फेयर के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों में बताया है कि जो मर्करी होता है दिस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, दिस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है। सन के सबसे क्लोजेस्ट या पास होने की वजह से इस मर्करी पे जो सोलर इंटेंसिटी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत हाई होती है। इतना ज़्यादा इंटेंसिटी होता है कि उस हाई सोलर इंटेंसिटी की वजह से जो गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर होते हैं वो आउटर स्पेस में एक्सपेंड कर जाते हैं, वो एस्केप हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरकरी पे भी कोई भी वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, ना ही मून पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही इस पे एक क्वेश्चन और बनता है कि इक्वेटोरियल रीजन, ये जो इक्वेटोरियल रीजन है ये लो प्रेशर रीजन होता है और जो पोलर रीजन होता है वो हाई प्रेशर रीजन क्यों होता है ओके यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि इक्वेटोरियल रीजन लो प्रेशर रीजन क्यों कहलाता है, व्हाई द इक्वेटोरियल रीजन इज लो प्रेशर रीजन, इक्वेटर में लो प्रेशर रीजन क्यों होता है, इक्वेटोरियल रीजन लो प्रेशर वाला रीजन क्यों होता है, या इक्वेटोरियल रीजन में वायुमंडलीय दाब कम क्यों होता है और पोल पे वायुमंडलीय दाब अधिक क्यों होता है ओके तो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो पोल्स पे, ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है ओके चपटी होने की वजह से जो पोलर रेडियस है ये वाला रेडियस ओके इस रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस से कम होता है ओके ये जो इक्वेटोरियल रेडियस है ध्रुव पे चपटी होने की वजह से, पोल पे चपटी होने की वजह से ये जो पोलर रेडियस है वो इक्वेटोरियल रेडियस से कम होता है, मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू पोल पे आर की जो वैल्यू होती है रेडियस वो कम होता है और इक्वेटर पे आर का जो वैल्यू होता है वो अधिक होता है ओके तो पोल पे रेडियस कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगेगा ओके याद करिए ये रिलेशन थी जी और आर में क्या रिलेशन था, अभी हमने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी की त्रिज्या के विरुद्ध क्रमानुपाती है, मतलब अगर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा लेकिन जब त्रिज्या घटेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगेगा, तो पोल पे जो त्रिज्या है वो कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगेगा ओके ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगने की वजह से जो गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर है इनका जो वेट है ओके जो आकर्षण बल है उनको ये अट्रैक्ट करेगा तो उनका जो भार वहाँ पे अधिक लगेगा ओके जिसकी वजह से पोलर रेडियस में प्रेशर हाई होता है। लेकिन इसके विपरीत इक्वेटोरियल रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला रेडियस इस रेडियस से अधिक है, जब रेडियस अधिक है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये वैल्यू कम होगी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो इससे गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर का जो भार है वो भी कम होगा, इस तरह जो वायुमंडलीय दाब है ये भी कम ही होगा, इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन को लो प्रेशर रीजन
कहते हैं। ये तो हुआ ग्रेविटी के बेसिस पे इसका कॉन्सेप्ट। इसको एक कॉन्सेप्ट से और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन पे लो प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेटर पे जो सोलर इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। सन का रेडिएशन, सन की इंटेंसिटी इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती है, ओके। लेकिन पोल पे जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो सन सोलर रेज होती है वो तिरछी होती जाती है, ओके। तो यहाँ पे सोलर की सनलाइट की इंटेंसिटी पोल पे कम पड़ती है लेकिन इक्वेटर पे इंटेंस पड़ती है। कम एरिया पे यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ता है, ओके। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सन की इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो इक्वेटर पे हाई सोलर रेडिएशन है, हाई सोलर रेडिएशन होने की वजह से इक्वेटर पे हाई इंटेंसिटी, सन की इंटेंसिटी हाई होने की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होगा, ओके। टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल का नंबर भी ज़्यादा होगा। अधिक वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, वाटर वेपर का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा। और चूंकि वाटर वेपर में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस है, ओके। वाटर वेपर में दिस इज यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, दो H2 और एक ऑक्सीजन है, और H2 चूंकि बहुत हल्की गैस है, वेरी लाइट गैस, बहुत हल्की गैस है जो गुब्बारों में हवा भरी जाती है जिसकी वजह से गुब्बारे उड़ते हैं, ओके। हल्की होने की वजह से गुब्बारा ऊपर उड़ता है, जो गैस वाले जो गुब्बारे में हवा जो भरी जाती है वो हाइड्रोजन ही होती है, ओके। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा वाटर वेपर उतना ज़्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अधिक होने की वजह से वो एयर वहाँ वाली हल्की हो जाती है, जब हल्की हो जाती है तो वो एक्सपेंड करती है, ऊपर उड़ती है। इसकी वजह से इक्वेटर रीजन में जो प्रेशर होता है वो कम होता है, जो प्रेशर होता है वो कम होता है, लो प्रेशर रीजन होता है। इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन लो प्रेशर रीजन होता है। आप सोलर इंटेंसिटी से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। कन्वर्सली इसके विपरीत पोलर रीजन में क्या होता है, सोलर इंटेंसिटी कम पड़ती है, टेम्परेचर कम होगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये भी कम होंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल कम होगा तो हाइड्रोजन जो गैस है वो भी, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल वो भी कम होगा, तो गैस लाइट यहाँ की एयर लाइट नहीं होगी, हल्की नहीं होगी, तो ये ऊपर नहीं उठेगी, मीन्स ये लोअर एटमॉस्फेयर में ही रहेगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेट ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए पोलर रीजन में जो वायुमंडलीय दाब है वो भी अधिक होता है कंपेरेटिवली इक्वेटोरियल रीजन में, ओके। सो इक्वेटोरियल रीजन लो प्रेशर रीजन होता है। आप इसको ग्रेविटी के कंसेप्ट से या सोलर रेडिएशन के कंसेप्ट से किसी भी कंसेप्ट से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।